आज तक पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुष्कर सिंह धामी जी एनडीए में और उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बड़ी बैठक में हिस्सा ले रहे थे उसके तुरंत बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुख्यमंत्री जी आपका स्वागत है और आपने जोशीमठ में जाकर लोगों का दर्द भी बांटा उनसे मुलाकात की है वहां को लेकर ताजा हालात क्या है जिसके बारे में जानकारी आप देश की जनता को और खासतौर से जोशीमठ के लोगों को देना चाहेंगे देखिए अभी हम लोग तात्कालिक रूप से जो लोग उस खतरे की जद में आए हैं या जो प्रभावित हैं ऐसे व्यवसायिक प्रतिष्ठान है मकान हैं सब मिलाकर लगभग छः सौ अठहत्तर हैं और जो इक्यासी परिवार हैं वो ज्यादा प्रभावित हैं उन सभी को सरकारी गेस्ट हाउस होटलों इत्यादि में हमने अभी शिफ्ट किया है अभी एनडीएमए के साथ एस के साथ अभी हमारी बैठक हुई है और हम दीर्घकालिक जो योजना है दीर्घकालिक जो पुनर्वास होना है उसके लिए हम लोगों ने अभी चर्चा की है जल्दी ही हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आखिर ये पानी का जो रिसाव हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है कहां से हो रहा है और आगे कितना प्रभावित होने वाला क्षेत्र है और जो नया क्षेत्र है उसका सारा भूवैज्ञानिकों से सारा सर्वेक्षण कराने के बाद हम पुनर्वास की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और इसमें भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी का लगातार व्यक्तिगत रूप से वो इस पर पूरी निगरानी कर रहे हैं पूरा व्यक्तिगत रूप से उसको देख रहे हैं कल भी उन्होंने सारी जानकारियां ली हैं और हर संभव हमको सहायता का आश्वासन दिया है मदद का भरोसा दिया है सहायता करने का उन्होंने कहा है कि हर प्रकार की सहायता की जाएगी और राज्य सरकार पूरी तरह से लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है मैं भी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ आज भी हमारे सारे लोग वहाँ पर लगे हुए हैं सारे अधिकारी लगे हुए हैं केंद्र की टीम भी जोशीमठ जो पहुंची भी है मुख्यमंत्री जी अगला मेरा सवाल है 600 ऐसे घर हैं जिनको चिन्हित किया गया है ऐसे में डेंजर जोन से सभी को बाहर निकालने के लिए और ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है इसमें कितना वक्त लगेगा स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की है कुछ लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं उनको संतुष्ट किए जाने को लेकर राज्य सरकार की ओर से क्या कड़े और बड़े कदम उठाए जा रहे हैं देखिये ये हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं जो अभी इक्यासी मकान जो ज्यादा खतरे में हैं जहां पर हमें जो जानकारी मिली या जो हम लोगों ने देखा हमारे प्रशासन के लोगों ने देखा उन इक्यासी परिवारों को शिफ्ट किया जा रहा है उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसको आगे बढ़ा रहे हैं पीएमओ ने इस पर बड़ी बैठक की थी फिर उसके बाद टीम भेजी गई प्रधानमंत्री जी की ओर से या पीएमओ की ओर से आपसे किस तरह की जानकारी ली गई है और विपक्ष आरोप लग रहा है लगा रहा है कि एनटीपीसी के टनल की वजह से इस तरह के हालात बने हैं वहां पर तत्काल रोक लगाई जाए माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की भूमि से विशेष लगाव है जोशीमठ एक ऐसा स्थान है जो जहां पर पहला मठ स्थापित हुआ था ये पौराणिक रूप से सांस्कृतिक रूप से धार्मिक रूप से और पर्यटन की दृष्टि से और सबसे बड़ी बात कहूं तो सामरिक रूप से बहुत महत्व का स्थान है इसलिए इसको बचाना हम सब की प्राथमिकता है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं सब पर जानकारियां उन्होंने कल ली थी कि लोगों को कैसे उनको आपदा कैंपों में किस प्रकार से रखा जा रहा है क्या व्यवस्था हो रही है जी। और कितने लोगों को रखा गया है आगे लोगों के लिए क्या व्यवस्था होने वाली है उन सब पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की है और लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है उसके बारे में भी चर्चा हुई है कि आगे कैसे पुनर्वास की स्थिति होगी और किस प्रकार से उस पर काम करना होगा सभी पर उन्होंने जानकारी ली है और इसके साथ साथ जो अन्य विषय आ रहे हैं वो अन्य विषय सारे शोध के विषय है सारे अनुसंधान के विषय है उसके बाद ही उस पर कुछ कह पाएंगे अभी तक अभी चूंकि बहुत जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना अभी तो ये समय ऐसा है कि सभी लोगों को मिलकर बिल्कुल आ, एक साथ एक टीम के रूप में जोशीमठ को बचाने के लिए वहां के लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए सबको एक होकर काम करना चाहिए सबसे, ज्यादा महत्वपूर्ण भी, भी है, है। पुष्कर सिंह धामी जी हरीश रावत अब से कुछ ही देर पहले हमारे साथ आज तक पर थे आपके जस्ट पहले उनकी ओर से यह सलाह दी गई है राज्य सरकार के पास चूंकि संसाधनों का अभाव है और इस वजह से केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करें क्या आपको भी लगता है कि हालात इस तरह के हैं जोशीमठ के कि राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में को देखते हुए जोशीमठ को घोषित कर दिया जाना चाहिए संसाधनों की कोई ऐसी कमी नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और पूरे केंद्र की सरकार ने हमको हर प्रकार से सहायता का भरोसा दिया है और सहायता कर रहे हैं सारी टीमें यहाँ पर आ गई हैं सब अपने सर्वेक्षण के काम में लग गई हैं तो इसलिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होने वाली इस समय सबको मिलकर एक दिशा में चलना है कि जोशी मठ को बचाना जोशी मठ के लोगों को बचाना है।